नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। प्रदेश से सरकारी अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसी स्थितियों को सुधारने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों में जाकर औचक निरीक्षण करते नजर आते हैं। इस बीच बिना किसी पूर्व सूचना के डिप्टी सीएम अचानक गाजियाबाद पहुंचे, जहां पर हिंडन में डिप्टी सीएम ने मोर्चरी का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई कमियां पाई और अनियमितताएं देखकर असंतुष्ट दिखे। इस निरीक्षण के बाद से उन्होंने सीएमओ को फोन लगाकर जमकर फटकारा और काफी नाराजगी भी जताई। यहाँ चार लोगों की आकस्मिक मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है। मैंने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए हैं, तत्काल पोस्टमार्टम कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पे जो भी पीड़ित थे उनको तत्काल उनके घरों तक रवाना करने के लिए सब वाहन उपलब्ध कराया है और सभी चिकित्सकों से कहा है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको तत्काल पोस्टमार्टम करके रवाना करें, किसी को वेट ना करना पड़े। पोस्टमार्टम हाउस की जो दुर्दशा है उसको हमने सीएमओ से तत्काल ठीक करने के लिए कहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, साथ ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं एसपी सिटी ने बताया, श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए दूर दराज से लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन आते हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने उत्सव की तैयारियों के लिए खास इंतजाम किए हैं, साथ ही रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। कृष्ण जन्मोत्सव को देखते हुए मथुरा वृंदावन को चार जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन का प्रभारी एडिशनल एसपी है और हर सेक्टर के प्रभारी डिप्टी एसपी लगाए गए हैं। पिकेट, गश्त और सादे में पुलिसकर्मियों की भारी संख्या तादाद की गई है। करीब 2000 पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगाए गए हैं और हम लोग सबको सरल, सुगम और बढ़िया दर्शन लोगों को हो, लोगों की भक्ति भावना जो लेके आए हैं उसको पूर्ति कराएं, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। पूरे शहर और वृंदावन को कई यूपी के टॉप 45 माफिया की सूची में शामिल गोरखपुर के बाहुबली माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ल के साथी और पूर्व विधायक राजन तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर गोरखपुर के लिए रवाना हो गई है। राजन तिवारी को गोरखपुर की गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस ने राजन तिवारी की संपत्ति की पड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक की जांच में पुलिस उसकी संपत्ति की जानकारी नहीं जुटा पाई है। कैंट थाना गोरखपुर के एक वांछित बदमाश जो गैंगस्टर के मामले में राजेंद्र तिवारी जो वांछित थे, उसको आज कैंट पुलिस एवं हमारे एसओजी की टीम द्वारा आज उसको रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। वहां पे माननीय अदालत ने उनको 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा है। जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर नमामि गंगे ने काशी के प्रमुख और प्राचीन विष्णु तीर्थ आदिकेशव घाट पर स्थित भगवान आदिकेशव की आरती उतारी। आदिकेशव विष्णु के हाथों से निर्मित और प्रतिष्ठित मूर्ति को माखन मिश्री का भोग लगाकर लोक मंगल की कामना की। इसके बाद संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में आदिकेशव मंदिर परिसर और घाट की सफाई में योगदान दिया। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज हमने काशी के और भगवान विष्णु के पवित्र तीर्थ, जो कि पहला तीर्थ माना जाता है, पंच तीर्थों में प्रमुख तीर्थ है, आदिकेशव मंदिर में उपस्थित होकर, आदिकेशव घाट पर उपस्थित होकर नमामि गंगे की तरफ से आदिकेशव भगवान की आरती उतारी है। उनको माखन मिश्री का भोग लगाकर लोक मंगल की कामना की। खबर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि किसी राहगीर ने पुलिस को आग लगने की सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो वहां शराब की पेटियां पाई गई, जिन्हें पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर ट्रांसपोर्ट कर्मियों को हिरासत में लिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना मसूरी इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक बच्ची को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर किया गया है। मामला मसूरी इलाके के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का है। हालांकि इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है।
आज एक्सप्रेस वे पर, मेरठ एक्सप्रेस वे पर लगभग 1 बजे दोपहर को एक घटना हुई है, जिसमें एक परिवार जो कि इको गाड़ी में हरिद्वार से आ रहा था और थाना मसूरी क्षेत्र में कुसलिया गांव से के क्षेत्र में एक खड़े हुए ट्रक में ये इको गाड़ी टकराई, जिसमें 4 लोग की इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 वयस्क हैं और 1 बच्चा है। एक छोटी बच्ची है 10 वर्ष की, वो अंडर ट्रीटमेंट है, उसकी कंडीशन ठीक है, उसको उपचार कर दिलवाया जा रहा है। बाकी इसमें सभी कार्रवाई की जा रही है, उच्च अधिकारी गणों के द्वारा, SSP सर के द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है, टेक्निकल टीम बुलाई गई है और हम CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं। देशभर में जन्माष्टमी के पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। वहीं कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में जन्माष्टमी को लेकर बाजार पूरी तरीके से सजी नजर आ रही है। बाजारों में भगवान कृष्ण के लिए तरह तरह के सामान देखने को मिल रहे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में लोग जन्माष्टमी की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि देखा जाए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वासुदेव भगवान के जो हैं 8वें पुत्र थे, और उसके बाद देखा जाए जो जन्माष्टमी है वो पूरे कानपुर में जो देखा जाए तो पूरी तरीके से हम बाजारों में, अब हम कहना चाहेंगे दिखाएं कि पूरे बाजारों में तरह तरह से जो महिलाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जो हैं वो वस्त्र जो हैं और उसका जो कानन कुंड में जो मूर्तियाँ झूलियाँ झूला जो हैं वो पूरी तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो है लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद करने के बावजूद भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसके बाद इस देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी हैं उनके जो है ये पूरी तरीके से जो देखा जाए तो जो अमृत महोत्सव तो हर घर तिरंगा था वो पूरे बाजारों में दिख रहा है। अभी भी दिख रहा है कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो तिरंगा पूरा दिख रहा है चौराहों में बाजारों में। उसके बाद जो है तरह तरीके से पूरी तरीके से जो खरीदारी करें खरीदारी खरीदें और वस्त्र जो हैं तरीके से बन रहे हैं दिख रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बाद जो आधुनिक तरीके से जो झूले बनाए गए हैं वो झूले इस तरह जो कुछ झूले ऐसे बनाए गए हैं जो पूरी तरीके से जो हैं वो अगर देखा जाए तो समाज के तौर पर यह देखा जाए तो अभी जनरेशन में देखा जाए तो इसको बोला जाएगा बिल्कुल हाईटेक तरीके से झूला जो बनाया गया भगवान श्री कृष्ण के लिए यह मार्केट में जो अवेलेबल है। उसके बाद जो देखा जाए कहीं ना कहीं जो मार्केट में है वो लगातार भीड़ जो है भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जो जन्माष्टमी को लेकर के लोगों की खरीदारी जो है वो पूरी तरीके से बहुत अच्छी, और भी हमारे साथ जो दुकानदार हैं वो दुकानदार हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे साथ जो दुकानदार हैं क्या नाम है भैया आपका? सचिन। सचिन जी ये बताइए कि जो आज जन्माष्टमी में जो है स्पेशल जो है ग्राहकों के लिए क्या ऐसी जो आप मार्केट में अवेलेबल हुआ है सामान जन्माष्टमी में? इस बार भैया हम लोग लाए हैं डांडिया लाए हैं गोपाल जी की, चौपड़ लाए हैं, मेज लाए हैं और आपका पानी के लिए लाए हैं, ठंडा पानी की मशीन लाए हैं, इस तरह की कई चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं जन्माष्टमी में जो है जो आज आपकी जो दुकान है इस दुकान को देखकर देखा जाए शोरूम को देखकर देखा जाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जो है उनका जो तिरंगा हर घर तिरंगा है तो इस दुकान पर तिरंगा लगने का जो एक क्या उद्देश्य था भैया? उन्हीं का जो अनुकरण कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा, हम लोगों ने कहा हर दुकान तिरंगा, इसलिए वही अनुकरण पे हम लोग चल रहे हैं। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दुकानदार का साफ कहना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी पूरी तरीके से जो उनका आदेश था, अपील थी लोगों से कि जो हर घर तिरंगा रहेगा, तो यहाँ पर दुकानदार का साफ कहना है कि जो मार्केट है उस मार्केट पर जो पूरी तरीके से जो है हर घर तिरंगा है। कैमरा पर्सन मानसाथ उपेन्द्र थाना कानपुर। खबर लखनऊ से है जहां कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती है। राजीव की जयंती पर हम सभी लोग हर वर्ष कई कार्यक्रम करते हैं और इस साल भी हम हर्ष और उल्लास के साथ राजीव गांधी की जयंती मनाने जा रहे हैं। शहर कमेटी जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर ये जयंती मनाई जाएगी। लखनऊ में लगभग सभी चौराहा सजाया जाएगा, जलपान की भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसे नेता का की जयंती हम लोग परसों मनाने जा रहे हैं 20 तारीख, उसमें कई कार्यक्रम हैं, हर जिले में कार्यक्रम होंगे, हर जिले में कार्यक्रम होंगे और हर जिले में हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई जाएगी। इसके साथ साथ शहर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, हर स्तर पर ये जयंती मनाई जाएगी। खबर शाजापुर के डोरेमोन इंटरनेशनल स्कूल से है जहां भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पूजा पाठ कर धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान स्कूल में कई कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों और अभिभावकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी, साथ ही श्री कृष्ण के जीवन के रस को अपने जीवन में लाने को भी कहा। आज डोरेमोन
रमांस इंटरनेशनल स्कूल में हम लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने श्री कृष्ण भगवान की पूजा की सबसे पहले, उसके बाद बच्चों ने रैम वॉक करके अपना राधा कृष्ण गेटअप में जो आए थे, तो सब बच्चों ने पेरेंट्स की बहुत सारी वाहवाही ली और बहुत प्यारे प्यारे सब बच्चे सबके आए हैं। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों ने छोटे छोटे कान्हा जी ने मिलकर यहाँ पे मटकी फोड़ी, जिसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, लेकिन बच्चों ने फिर भी उस चीज़ को करके दिखाया और बहुत ऊंचाई पे लगी मटकी, लेकिन फिर भी अच्छे से तोड़ पाई। जन्माष्टमी का पर्व शाहजहाँपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं डोरेमोन इंटरनेशनल स्कूल में, जहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं कृष्ण राधा कृष्ण की झांकियों में तैयार होकर आए हैं, वेशभूषाओं में तैयार होकर आए। देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों में इस कार्यक्रम को लेकर, इस पर्व को लेकर उत्साह है, तो वहीं उनके अभिभावक भी तैयार करके उनको जो है अच्छे तरीके से लाए हैं ताकि इस पर्व को मनाया जा सके। इसी के साथ हमारे साथ डोरेमोन इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य दीपमाला रस्तोगी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं और क्या कुछ संदेश समाज में दे रहे हैं। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी हम सब इंडिया के अंदर रहते हैं और भारत में जितनी भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ये हमारी धरोहर है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को आज बच्चों ने श्री कृष्ण भगवान का सबसे पहले पूजन किया, उसके बाद में राधा कृष्ण के गेटअप में आए हुए बच्चों ने रैम वॉक किया, उसके बाद में मटकी तोड़कर सब बच्चों ने जन्माष्टमी के पर्व को अच्छे से मनाया। तो कहीं ना कहीं ये सारे संस्कार हम लोग बच्चों को देने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी ये धरोहर हमारी हमारे साथ बनी रहे और कोई भी हमारी पीढ़ी इससे वंचित ना रहे और बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमारे कल्चर को लेके आगे बढ़ सके। इसी उपलक्ष्य में हम सबने जन्माष्टमी मनाई। श्री कृष्ण भगवान की जो एक कंप्लीट जीवन कहा जाता है, जिसमें उनके पास 16 तरह की कलाएँ हैं और बहुत सारी उनके पास में और भी कलाएँ हैं, वो सब हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं उतार सके और हम सब लोग भी दूसरों को बहुत सारी खुशियाँ दें, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सके, पॉजिटिव ऑरा बना सके और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सके। इन्हीं सब फीलिंग से साथ में आप सभी को मेरी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ उनके अभिभावक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस बार किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं और किस तरह मतलब किस तरीके से संदेश दिएगा, क्या उत्साह है। पर्व तो सभी मनाए जाते हैं। देखिए जन्माष्टमी का पर्व तो हर जगह मनाया जा रहा है, घरों में, मंदिरों में, और आज स्कूल में भी मनाया गया है। स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व मनाया है मैम ने, छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बन के आए हैं, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये छोटे बच्चे कृष्ण राधा बन के आए हैं, वो समझे हमारी संस्कृति को, समझे उनके पीछे छुपे अच्छाई बुराई को समझे। तो मैम ने जो बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके रंगारंग कार्यक्रम कराए गए हैं, उन सबके पीछे बहुत मेहनत लगी होगी। और बाकी ये संदेश जाता है दुनिया को, सबको, कि हमें अपनी संस्कृति कभी भूलनी नहीं चाहिए। देखिए कृष्ण भगवान भी बहुत संघर्ष करके इस उस जीवन मतलब जन्म लेके आए हैं धरती पर, और वो सब संघर्ष हमारे जीवन में भी संघर्ष है, तो हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए और अपनी संस्कृति को ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कर बढ़ाते रहना चाहिए। वही संदेश देते हुए बच्चे आप देख रहे हैं और वही संदेश लेके ही मैम ने ये कार्यक्रम रखा है। तो हम सब आज जन्माष्टमी की हम मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं और सब हर्ष और उल्लास से जन्माष्टमी मनाइएगा। धन्यवाद। जिस तरीके से इस पर्व मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरे समाज को, पूरे शहर को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। शाहजहाँपुर से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद शान की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने से संबंधित चर्चित मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 निरुपमा विक्रम ने पत्नी और उनके प्रेमी को 55,000 रुपए अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अर्थदंड जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी दिया है। 22/2017 को एक घटना कारित हुई थी आवास विकास में, मनीष श्रीवास्तव की उनकी पत्नी शीतल व उनके सहयोगी नौकर राहुल द्वारा हत्या करी गई थी। मृतक की माता द्वारा कोतवाली शहर में FIR दर्ज कराई गई थी और उसके बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया। दोनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई थी। न्यायालय में मुकदमे संबंधित साक्षियों ने ईमानदारी से अपना साक्ष्य दिया, उसके आधार पर न्यायालय ने उन लोगों को दोषी पाया और दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यह मुकदमा लगभग 5 साल चला है।
श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र में एक बालक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। एक शिक्षक पर पिटाई का आरोप लगाते हुए परिजनों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आपको बता दें कि सिरसिया थाना क्षेत्र के बनकटवा निवासी ब्रजेश कुमार पुत्र नीरव की बुधवार रात बहराइच में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने उसके पुत्र की पिटाई की थी। स्कूल में यहाँ जो है एक दूसरे बच्चे का यहाँ दोनों बच्चे में लड़ाई कहे, उसके बाद गए स्कूल तो वो बच्चा गया मास्टर साहब से कहे, मास्टर ने जो है ये बच्चा का यहाँ ज़्यादा दंडित किए। थाना सिरसिया क्षेत्र के एक 13 वर्षीय बच्चे की जो कक्षा 3 में अपने गांव के पास ही एक स्कूल में पढ़ता था कि जनपद बहराइच में अस्पताल में मृत्यु हो गई। कल दिनांक 17/8/22 को हो गई थी। इस संबंध में छात्र के चाचा द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें अंकित किया गया है कि स्कूल के एक टीचर द्वारा उस छात्र को 8 अगस्त को मारा पीटा गया था। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जाए। खबर प्रयागराज की यमुना पार इलाके से है जहां पुलिस ने 14 अगस्त को हुई लूट का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने लूट में शामिल 3 में से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पूरी नकदी बरामद कर ली गई है। साथ ही घटना में प्रयोग किया गया असलहा, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक एजेंसी थी टीकरी में, वहाँ से जो प्रतिष्ठान के ओनर हैं वो अपना कैश जो 4,69,000 रुपये था एक बैग में रख के साइकिल से अपने घर जो कि वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे था वहाँ जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर हमला करके वो पूरा कैश का बैग वहाँ से लूट के फरार हो गए। अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। SP यमुनापार श्री सौरभ दीक्षित की टीम ने जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष तथा यमुनापार की SOG टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण तथा 100% बरामदगी इसमें सुनिश्चित कराई है अभियुक्तों को गिरफ्तार करके। खबर बुलंदशहर से है जहां जनपद में मारपीट की घटना में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव थाने में रखकर घेराव किया। ये मामला पहासू थाना क्षेत्र के गांव में नाली के विवाद में 5 दिन पहले हुई थी जमकर मारपीट का है, जहां मारपीट के दौरान 17 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के दौरान अस्पताल में युवक ने आज दम तोड़ दिया। खबर आगरा के मंटोला क्षेत्र से है जहां बीते 3-4 दिनों से बिजली न आने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिकायत करने पर भी टॉरेंट पावर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने DM से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई। आगरा में जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी टॉरेंट पावर लगातार लोगों का उत्पीड़न किए जा रही है, वहीं अभी 2-3 दिन पूर्व आगरा मंटोला क्षेत्र के अंदर टॉरेंट पावर ने आकर जिन लोगों के बिल जमा थे उन लोगों का भी मीटर से कनेक्शन काट दिया गया। आज वो लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, इस चिलचिलाती धूप और गर्मी के अंदर बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि लाइट काट दी गई है, जबकि उन लोगों का बिल जमा था। लाइट के कारण आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमारी 3 दिन से लाइट नहीं है। कहाँ का मामला है ये? डोलीखाल रमजानी वाली मस्जिद का मामला है। क्या वजह है, क्या लग रहा है, क्यों लाइट नहीं आ रही? लाइट की समस्या ही नहीं है समझ में आ रही है। टॉरेंट अधिकारियों को फोन कर रहे हैं तो वो जो कर रहा है आ रहा है 1 घंटे में 2 घंटे में 3 दिन से यही दिलासा दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आ रहा है। ये है कि 3 दिन से टॉरेंट की इतनी लापरवाही क्षेत्र में देखने में आ रही है कि पूरे 12 घर के यहाँ पर कनेक्शन बिल्कुल टाइट नहीं आ रही है। आज तकरीबन 48 घंटे होने पर आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सारे अधिकारियों को हमने कॉल कर चुका है और टॉरेंट ऑफिसों में कॉल कर चुका है, इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं है। सारे अधिकारी दिलासा देते हैं। हमारी लाइट खराब है 3 दिन से, पूरी बस्ती परेशान हो रही है। मोहल्ला डोलीखाल कोलियाना बस्ती रमजानी मस्जिद। कितने दिन हो चुके हैं? 3 दिन हो गए। तो अधिकारियों में जा रहे हैं सर, टाल पेट्रोल हो रही है, कोई सुनने वाला पैदा नहीं है। हमारे बिल पूरे पेट है। बिजली कौन सी टोरेंट है? टोरेंट की है। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं हमारी लाइट तुरंत सही करी जाए। अजीत का कैमरा, अब आप क्या चाहते हैं? हमारी लाइट तुरंत सही करी जाए।
खबर गाजियाबाद से है, जहां की साहिबाबाद थाना पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जो शराब तस्कर हरियाणा की शराब को ट्रांसपोर्ट के जरिए बिहार भेजते थे। तो वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसके बाद ट्रांसपोर्ट में तलाशी करने पर वहां से 12 पेटियां और शराब बरामद की गई, जिसके बाद 3 ट्रांसपोर्ट को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस शराब तस्करी में बिहार का लिंक खंगालने में जुटी हुई है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में किसी राहगीर के द्वारा यह सूचना दी गई थी बीती रात को कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में आग लगी हुई है। इस सूचना पर जब फोर्स वहाँ पहुँची तो देखा कि शराब की पेटियाँ हैं जो जल रही हैं और इसके अलावा भी बहुत सी शराब यहाँ पे रखी हुई है जो हरियाणा मार्ग का शराब है। इस सूचना पर जो वहाँ पर मौजूद लोग थे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर, उनको सबको पकड़ा गया और ये जो बिना जली हुई पेटियाँ थी उनको उनसे बरामद किया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिस ट्रांसपोर्ट में रखा हुआ था जो स्टोर था उसको भी उसमें मुलजिम बनाया गया है, इन सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।